चंडीगढ़ के मौसम में इस वर्ष पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार का मई माह पिछले 13 साल में सबसे ठंडा रहा है। पिछले साल की तरह इस साल भी मॉनसून 30 जून के बाद दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने इसकी संभावना व्यक्त की है। इस बार भी वर्षा सामान्य रहने का ही पूर्वानुमान है। भीषण गर्मी के दिनों में चंडीगढ़ के लोग सर्दी का आनंद ले रहे हैं। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 13.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 4.5 डिग्री गिर गया। तापमान में इस बड़ी गिरावट के पीछे कारण बुधवार को सुबह शाम और रात को हुई बारिश है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। लोग शाम के समय सुखना लेक व रोज गार्डन में परिवार के साथ मौसम का आनंद लेने के लिए निकल रहे हैं। बुधवार को पूरे दिन सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। सुबह से ही शहर में बादल छाए रहे। 8:30 बजे के करीब जोरदार बारिश भी हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद बारिश रुक गई। शाम को 3:30 बजे के करीब अचानक शहर में काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। रात में भी कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। हालांकि गर्मी से मिली राहत अब ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है और 3 जून से शहर के तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद बारिश की संभावना नहीं है। इस बार 2.5 गुना ज्यादा हुई बारिश बुधवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच शहर में 4.9 mm बारिश हुई है। वहीं मंगलवार सुबह 8:30 बजे से बुधवार सुबह 8:30 बजे के बीच 13.4 mm पानी गिरा है। इस वर्ष 1 मार्च से लेकर बुधवार शाम 5:30 बजे तक कुल 217.1 mm बारिश हुई है। यह औसत से 263% ज्यादा है। मौसम में आया बदलाव पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हुआ है, जो औसत से 2 गुना चंडीगढ़ और पंजाब हरियाणा के इलाकों में सक्रिय रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मई महीने में बारिश भी काफी ज्यादा हुई है। मई माह में औसतन 22.7 mm बारिश होती है, लेकिन इस बार करीब 5 गुना ज्यादा 110 mm पानी गिरा है। पिछले 13 साल में सबसे ठंडा रहा है मई शहर के मौसम में। इस वर्ष पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार का मई महीना पिछले 13 साल में सबसे ठंडा रहा है। हाँ, जो इस बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा रही, जिसकी वजह से जिहड़ा मई का महीना सी उसदे विच काफ़ी बारिश हुई, रिकॉर्ड भी ब्रेक हुए। जिहड़े पिछले सालों तो देखिए तो इस बार जिहड़ा मई का महीना सी वेटेस्ट मंथ, जिहनूं असीं कहिंदे आ कि बड़ा गिला जिहड़ा हैगा, जां बरसात बहुत ज़्यादा जिहड़ी बरसात हुई है। पहले इन्नी ज़्यादा कदी भी बरसात नहीं रिकॉर्ड की गई सी और टैंपरेचर भी काफ़ी घट रहे। जो टैंपरेचर से जो मई के महीने में 24 डिग्री तक जो मैक्सिमम टैंपरेचर चला गया, जो कि पुराने अगर रिकॉर्ड देखिए तो 27 डिग्री तक जो टैंपरेचर है वह गया से दिन का जो टैंपरेचर है। तो वह जो मेन कारण से इस बारी WD वैसटर्न डिस्टर्बेंस की फ्रीकुएंसी ही मतलब ज़्यादा रही और जिन्या भी मतलब WD आई हैं वह काफ़ी एक्टिव रही। हाँ, जिहड़ा हमने हुण आने वाले दिनों में जिहड़ी बारिश है उहदे विच काफ़ी कमी रहेगी। अज जिहड़ी है स्कैटर्ड प्लेस उत्ते बारिश हो सकती है, लेकिन अपने 2 तरीक तो 2 जून तो लैके अपने 5 जून तक जिहड़ी बारिश है उहदे विच काफ़ी कमी रहेगी। आइसोलेटेड प्लेस उत्ते बारिश रहेगी। अगर चंडीगढ़ का देखिए तो चंडीगढ़ के भी जिहड़ी बारिश की प्रॉबिलिटी है वो बहुत घट रहेगी। बदलवारी रह सकती है जां कहीं बूंदाबांदी जां हल्की बारिश होने के ही चांस रहेंगे, लेकिन जिहड़ी टैंपरेचर है वो कल तो जड़े है थोड़े राइज करने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बारिश में कमी आएगी। तो जो तापमान है, जिस तरह के जो पिछले 2 दिन तो तापमान 30 डिग्री तो नीचे चल रहे हैं, लेकिन आने वाले जोड़े दिन है उन्होंने मैक्सिमम टैंपरेचर 30 डिग्री तो थोड़ा उपर जा सकता है। लेकिन जड़िया अपने जिस तरह पहले हीटवेव चल दिया अपने वो टैंपरेचर जोड़े अजय 1 हफ्ते तक जोड़े टैंपरेचर है वो अपने 35 या आस पास ही रहने। हाँ, जो WD का इफेक्ट है पहाड़ों में थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है, तो जो आने वाले दिन होंगे उन्होंने हिमाचल प्रदेश में तो बारिश जी है थोड़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर पंजाब हरियाणा की देखिए तो उत्थे जी बारिश है वह ज़्यादा नहीं होगी। पंजाब दे विच अगले 4 दिन तक आइसोलेटेड प्लेसेस बारिश हो सकती है, आइसोलेटेड प्लेसेस ते ही, लेकिन जिहड़े हरियाणा वाले इलाके आ उन्हां दे विच भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो जिहड़े अपने नॉर्थ हरियाणा वाले इलाके होंगे जां साउथ हरियाणा है उत्थे जिहड़ी प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगी।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।